हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शिबा इनू कॉइन और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उससे भी ज्वाइन कर लें। वहां पर भी आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आते हैं सबसे पहली अपडेट की ओर, जो शिबा इनू टोकन की बर्निंग से जुड़ी हुई है, जहां पर स्टीवन कूपर के द्वारा एक बार फिर से 2.75 मिलियन शिबा इनू टोकन को बर्न किया गया है। इनके द्वारा लगातार बर्निंग जारी है और 2022 का जो रोड मैप इनके द्वारा दिया गया है बर्निंग का, उसको इन्होंने शुरू कर दिया है। और अगर अभी तक आप देखें, 20 अक्टूबर को इन्होंने अपने कैंपेन को लॉन्च किया था और लगभग यहां पर 889 मिलियन शिबा इनू टोकन को इन्होंने बर्न कर दिया है। मतलब यहां पर इनकी जो क्वांटिटी है वो 1 बिलियन के आसपास पहुंचने वाली है और बहुत जल्दी ये 1 बिलियन के पार हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर ईथर स्कैन का एड्रेस भी शेयर किया गया है, जहां पर आपको टोटल अमाउंट भी दिख जाएगा कि इतने अमाउंट में इन्होंने बर्निंग की है। अगर हम बात करें, यहां पर जो बर्निंग हुई है लगभग 2 आवर्स 33 मिनट्स पहले हुई है, जहां पर लगभग $92 के शिबा इनू टोकन को इनके द्वारा बर्न किया गया है, जिनकी जो टोटल क्वांटिटी हो रही है लगभग 2.7 मिलियन। इसके अलावा दोस्तों, यहां पर एक और बड़ी बर्निंग की गई है शिबा कॉफी कंपनी के द्वारा, और इनके द्वारा यहां पर शिबा इनू टोकन को बर्न किया है। लगभग सेकंड लार्जेस्ट शिबा बर्न है जो इनके द्वारा यहां पर हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर ब्रिक बस्टर के द्वारा भी एक बड़ी बर्निंग आने वाली है। आई हियर ब्रिक बस्टर विल बी डूइंग अनदर लार्ज वन सून एज वेल। जहां पर बिग बस्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, ये मोबाइल गेम है जिसके थ्रू शिबा इनू टोकन बर्न हो रहा है, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। और कॉफी कंपनी जो यहां पर कॉफी के थ्रू शिबा इनू टोकन को बर्न कर रही है, मतलब उससे जो रिवेन्यू मिल रहा है उसके थ्रू यहां पर शिबा इनू टोकन को बर्न कर रही है। तो एक और बड़ा बर्निंग इवेंट जो है वो आने वाला है, जहां पर एक बड़े अमाउंट में बर्निंग हो सकती है। इन्होंने यहां पर अपना सेकेंड बर्न कंप्लीट किया और ईथर स्किन का एड्रेस भी यहां पर शेयर किया गया है। अगर हम अमाउंट की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं लगभग $401 के शिबा इनू टोकन को बर्न किया गया है। मतलब यहां पर लगभग 11 मिलियन शिबा इनू टोकन को शिबा कॉफी कंपनी के द्वारा बर्न किया गया है। तो बर्निंग यहां पर कम्युनिटी के द्वारा 2022 में शुरू हो चुकी है, जो एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लगातार यहां पर शिबा इनू टोकन को बर्न किया जाएगा तो उसका ही इंपैक्ट यहां पर शिबा के प्राइस पर आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम सप्लाई की बात करें दोस्तों, सप्लाई काफी ज्यादा है, जिस वजह से यहां पर इस साल ट्रिलियंस में बर्निंग होना चाहिए। अब अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों वेल वॉलेट की, तो आप देख सकते हैं वेल वॉलेट्स यहां पर शिबा इनू टोकन को लगातार परचेस कर रहे हैं और शिबा फिर से टॉप 10 में आ चुका है। टॉप 10 परचेस टोकन्स की अगर हम बात करें तो यहां पर 1000 बिगेस्ट ETH वेल्स में शिबा इनू टोकन फिर से एंट्री ले चुका है। और शिबा की अगर हम बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में 0.938% ये ऊपर उठा हुआ है। करेंट प्राइस की अगर हम बात करें 0.00003 अभी भी बना हुआ है। अब आते हैं दोस्तों अगली न्यूज की ओर, जो यहां पर शिबा इनू कॉइन की यूटिलिटी से जुड़ी हुई है, जहां पर शिबा इनू टोकन को एक और कंपनी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, लैटिन अमेरिका हाउ अबाउट सम एंटरटेनमेंट नाउ एक्सेप्टिंग, जहां पर एक एंटरटेनमेंट कंपनी के द्वारा शिबा इनू टोकन को एक्सेप्ट किया गया। और आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, जो वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स है म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए, यहां पर शिबा इनू टोकन को एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे कि हम अमेजोन प्राइम या फिर हॉटस्टार का एग्जांपल भी ले सकते हैं, डिज्नी हॉटस्टार, जहां पर आप पेमेंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं 3 मंथ का या साल भर का, जो प्रीमियम होता है उसको लेते हैं और उसमें एक पेमेंट लगता है। अब यहां पर यह पेमेंट जो है वो शिबा इनू टोकन के थ्रू भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने जानकारी दी है BTC शिबा पेपल ETC, जहां पर शिबा और BTC को इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया। तो आप देख सकते हैं ऑफलाइन स्टोर्स के द्वारा भी यहां पर शिबा को लगातार एक्सेप्ट किया जा रहा है, और यहां पर जो एंटरटेनमेंट कंपनी है उसके द्वारा भी ऑनलाइन यहां पर शिबा इनू टोकन को एक्सेप्ट किया जा रहा है, जो एक काफी अच्छा साइन है। अगर हम बात करें होल्डर्स की दोस्तों, तो शिबा इनू टोकन के जो होल्डर्स की संख्या है वो लगभग 11,11,279 तक पहुंच चुकी है। अगर हम लीज की बात करें लगभग 25,468 होल्डर्स हो चुके हैं। बोन की अगर हम बात करें लगभग 37,000 होल्डर्स हो चुके हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो यहां पर लीज और बोन आप देखेंगे 50,000 को आसानी से क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। और शीप की अगर हम बात करें तो 2 मिलियन होल्डर्स इस साल शिबा इनू कंप्लीट कर सकता है और काफी तेजी से ग्रोथ भी करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहां पर वेल वॉलेट की बात करें तो 52 बिलियन शिबा इनू टोकन अभी भी यहां पर वेल्स के पास रखे हुए हैं और शिबा जो है सेकेंड बिगेस्ट कॉइन हेल्ड बना हुआ है बाय टॉप 1000 ETH वेल वॉलेट्स। यहां पर दोस्तों जो रॉबिन हुड है उसके द्वारा अपना जो वॉलेट है वो लॉन्च किया जाने वाला है मिड जनवरी में। इस वजह से काफी ज्यादा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में एक बड़ी अनाउंसमेंट उनके द्वारा भी की जाए। लगातार उनको यहां पर टेक भी किया जा रहा है, जो शिबा इनू की कम्युनिटी है वो लगातार उनको यहां पर टेक करते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली न्यूज की, तो यहां पर ये जुड़ी हुई है एल सेल्वेडोर के प्रेसिडेंट से, जहां पर एल सेल्वेडोर प्रेसिडेंट नाइब बुकेले ने प्रिडिक्ट किया हुआ है कि 2 और कंट्रीज आएगी जो BTC को एज अ लीगल टेंडर 2022 में एक्सेप्ट करेगी। यहां पर इन्होंने ट्वीट के थ्रू जानकारी दी है, जो आप यहां पर देख सकते हैं 2022 प्रिडिक्शंस ऑन BTC विल रीच $100K, जहां
यहाँ पर इनका मानना है कि BTC इस साल $100,000 को क्रॉस करेगा, मतलब अभी जो आप देख रहे हैं $46,000 के आसपास दिख रहा है, $100,000 को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। काफी एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन था दोस्तों कि 2021 के एंड में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो नहीं हुआ और उम्मीद है कि 2022 में यहाँ पर ये पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें दो और कंट्रीज आएगी जो लीगल टेंडर के रूप में यहाँ पर BTC को एक्सेप्ट करेगी, आपने देखा होगा एल सेल्वेडोर के द्वारा यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अगला प्रिडिक्शन इनका ये है विल बिकम अ मेजर इलेक्टोरल इश्यू इन US इलेक्शन दिस ईयर, जहां पर US के इलेक्शन जो होंगे उसमें ये एक बड़ा इश्यू हो सकता है क्रिप्टो की ग्रोथ जो हो रही है दोस्तों लगातार, तो यहाँ पर जो मेजर पार्टीज होगी दोस्तों उनके लिए एक मेजर कंसर्न हो सकती है, एक एजेंडा हो सकता है क्रिप्टो को लेकर कि कौन यहाँ पर क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने वाला है। इसके अलावा बिटकॉइन सिटी यहाँ पर कमेंस कंस्ट्रक्शन होगा और वोल्केनो बॉन्ड्स विल बी ओवर सब्सक्राइब। उसके अलावा अगर हम देखें तो वोल्केनो बॉन्ड्स के साथ भी यहाँ पर माइनिंग जो है वो शुरू हो सकता है, जो वोल्केनो की एनर्जी है उसके थ्रू यहाँ पर माइनिंग का काम भी शुरू हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन है जो नाइब बुकेले के द्वारा किए गए हैं 2022 के लिए। और अगर हम मार्केट की बात करें दोस्तों तो मार्केट अभी भी डाउन है 24 आवर्स में लगभग 0.06% और यहाँ पर जो टोटल मार्केट कैप है वो $2.24 trillion का है। BTC $47,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब बेरिश मोमेंटम अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग 7 डे में 8% डाउन में चल रहा है। ETH की बात करें वो भी लगभग $3,800 के नीचे आ चुका है और जितने भी कॉइन्स अगर आप देखें यहाँ पर अच्छे खासे अभी डाउन में ही देखने को मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो बुल रन की शुरुआत है दोस्तों वो अभी नहीं हुई और उम्मीद है कि बहुत जल्द बुल रन देखने को मिलेगा और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो BTC है वो लीड करता हुआ नजर आ सकता है। अगर अभी भी आप देखें शिबा इनू 0.70% नीचे की ओर चल रहा है और 3.3 पर ये बना हुआ है, 3.3 जो इसका मेजर सपोर्ट बन चुका है। 1 वीक की अगर हम बात करें लगभग 12% नीचे गिरा हुआ है और यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो $18.56 billion पहुंच चुका है। AVX भी आप देख सकते हैं 3% नीचे की ओर, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कौन सा कॉइन गिरा हुआ है 7 डेन में, तो उसमें सोलाना आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा, लगभग 14% डाउन में चल रहा है, जो इथेरियम किलर है। तो यहाँ पर दोस्तों उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट जब रिकवर करेगा तो फिर से जितने भी कॉइन्स अभी आप डाउन में देख रहे हैं वो ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। अभी यहाँ पर अगर हम मार्केट की बात करें दोस्तों तो ओमिक्रॉन वेरियंट का जो खतरा है वो थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा नए नए डिसीजन लिए जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे हैं लॉकडाउन को लेकर, जहां पर आप देख रहे होंगे काफी जगह माइनर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, तो दोस्तों उसका थोड़ा इंपैक्ट यहां पर मार्केट पर आने वाले टाइम में पड़ता हुआ नजर आ सकता है अगर वर्ल्ड वाइड यहां पर इस तरीके के जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाएंगे। और कोई भी अपडेट पाने के लिए दोस्तों चैनल से जुड़ जाए, साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।